हो मत बंदे बोलो झूठ, राम घर जाना है। हर किसी को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, लेकिन जो हम झूठे वादे करते हैं ना, झूठ सच बोलते हैं, उनको आज से छोड़ दो। और क्या लिखा कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा, सुनेगा भजन के द्वारा। हो मत बंदे बोलो झूठ, राम घर जाना है। मत बंदे बोलो झूठ, राम घर जाना है। जाना है तुझे जाना है, जाना है तुझे जाना है। जाना है, आज ना तो कल उस भगवान के घर से बुलावा जरूर आएगा। उस भगवान ने परमार्थ करने के लिए इस संसार में हमें भेजा, लेकिन इस संसार में आकर के हम स्वार्थ में फंस जाते हैं। आइए सुनेगा पहली कली में क्या कह दिया। मालिक ने तुझे बनाया, जिस तन पे है तू इतराया, जिस तन पे है तू इतराया। उस मालिक ने तुझे बनाया, जिस तन पे है तू इतराया। पिछले कर्मों की छूट, राम घर जाना है। मत बन जाता है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, और किसी के पास में थोड़ा सा पैसा फालतू आ जाए उसके तो सर को चढ़ जाता है पैसा। ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं वो तो अलग बात है, वो तो जिनके पास पैसा नहीं है वो भी हो जाते हैं। इंसान को किसी भी चीज का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि जो ये मानव तन हमें मिलता है 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में ये मानव का चोला मिलता है। आइए सुनेगा कवि ने क्या लिखा कि कैसे कैसे जन्म हमें इस संसार के अंदर लेने पड़ते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा इस कली को, बहुत सुंदर कली लिखी। मत बंदे बोले झूठ, राम घर जाना है। तुझे दंड मिले बदमाशी के, दंड मिले बदमाशी के। चक्कर खाए चौरासी के, तुझे दंड मिले बदमाशी के। और बना कुत्ता
जाना से तो ये सब कुछ भी हमें बनना पड़ेगा जो इस कली के माध्यम से कभी नहीं लिखा। तीसरी कली के माध्यम से बता दिया कि इंसान चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, अगर एक गलती हो जाए ना, एक गलती हो जाए तो सारे जो अच्छे काम थे उन्हें लोग भूल जाते हैं, उस गलती को याद रखते हैं। सुनेगा तीसरी कली में क्या लिख दिया। से ना डरता है अब भी बेईमानी करता है, पूरे कर्म से ना डरता है। और अरुण जी, अरुण जी आप दिन रात दिन रात दिन रात मचाता जाते हैं तो जरूर इंसान के मन में ये आता होगा कि एक दिन हमें भी यहीं पर आना है, एक दिन मिट्टी में हमको भी मिल जाना है। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं, आदत को बदल नहीं सकते, उस बात को टाल नहीं सकते। माताएं हंस रही हैं मेरी बात पे, ये सच्चाई है। क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि छोड़ इस दुनिया को बंदे, एक दिन जाना है, और ये तेरी मेरी मेरी तेरी का सब झूठा बहाना है। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सिर्फ अपना है तो वो प्रभु, उस प्रभु के भजन गाओ और आनंद में रहो। एक दिन जो अच्छे इंसान जो अच्छे कर्म करता है उसे लोग बाद में भी याद करते हैं, और जो बुरे कर्म करता है ना उसे कोई भी याद नहीं करता। आइए कवि ने अंतिम कली में क्या लिख दिया। उस मालिक की भक्ति कर ले, उस मालिक की भक्ति कर ले, तू हरे राम वैसले डर ले, उस मालिक की भक्ति कर ले। भक्ति का, भक्ति का, भक्ति का